हेलो, सभी को नमस्कार। श्रीस्का ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने राजस्थान की जो भूगोल थी, इसमें हमने जो राजस्थान का सामान्य परिचय था वो हमने पूरा पढ़ लिया था। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है और भौतिक प्रदेश है, वो हम आज की हमारी क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो, हम आज की हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश। ये हमारा टॉपिक है और ये हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, भौतिक प्रदेश है, इसका निर्धारण किसने किया था, कितने भागों में किया था, किसने कौन कौन से नामों से किया था, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश में किसने बांटा था। तो राजस्थान को जो सर्वप्रथम है वो भौतिक प्रदेश में वीसी मिश्रा ने बांटा था। किसने? वीसी मिश्रा ने। किसने बांटा था? वीसी मिश्रा ने। कब बांटा था? 1968 में। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में जो निर्धारण है वो किसने किया था, किसने बांटा था? तो वो वीसी मिश्रा ने 1968 में किया था। फिर कितने भागों में किया था उसने निर्धारण? तो 7 भागों में। कितने भागों में किया था? 7 भागों में इसने क्या किया था? निर्धारण किया था। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। वो 7 भाग है वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं। पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है इसमें नैरी क्षेत्र है, तीसरा है अरावली प्रदेश, चौथा है इसमें पूर्वी प्रदेश, पांचवा है इसमें दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, और छठा है संबल गिरी प्रदेश, और 7वां है अर्धशुष्क प्रदेश। ये 7 भाग थे जिनका निर्धारण वीसी मिश्रा ने किया था। दोबारा देख लेंगे, 7 भाग पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, नैरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, चंबल भील प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। इन्होंने ये 7 भागों में क्या क्या था निर्धारण किया था, और ये निर्धारण जो वीसी मिश्रा थे इसने कहाँ पे किया था? तो ये वीसी मिश्रा की पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। क्या थी? राजस्थान का भूगोल, इसकी एक पुस्तक थी जिसमें इन 7 भागों का क्या क्या था निर्धारण किया था वीसी मिश्रा ने। फिर आगे, ये तो सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का निर्धारण वीसी मिश्रा ने किया, उसके बाद किसने किया था? उसके बाद है दूसरी बार जब भौतिक प्रदेशों का निर्धारण हुआ तो वो किसने किया? तो वो किया था AK सेन। किसने किया था? AK सेन ने। AK सेन ने दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का क्या किया था निर्धारण किया था। कब किया था? तो वो भी 1968 में ही किया था। वीसी मिश्रा ने भी 1968 में किया था और AK सेन ने भी 1968 में ही भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। उसके बाद तीसरी बार जो भौतिक प्रदेश थे हमारे, इनका तीसरी बार निर्धारण किसने किया था? तो तीसरी बार निर्धारण वो रामलोचन सिंह ने किया था। किसने किया था? रामलोचन सिंह ने किया था। तो रामलोचन सिंह ने 1971 में कब किया था? 1971 में जो भौतिक प्रदेश थे हमारे, इनका निर्धारण किया था। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटा किसने था? तो वीसी मिश्रा ने। कब बांटा था? 1968 में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था। 7 भाग कौन कौन से थे? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, नैरी क्षेत्र है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, चंबल भील प्रदेश है और अर्धशुष्क क्षेत्र है। तो इन 7 भागों का निर्धारण है वो वीसी मिश्रा ने कौन सी पुस्तक में किया था? तो वीसी मिश्रा की वो पुस्तक थी जिसकी, वीसी मिश्रा की ये पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, इसमें इन्होंने जो 7 भाग थे इनका निर्धारण किया था। उसके बाद दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? तो दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का निर्धारण है वो AK सेन ने किया था। वो 1968 में किया था। कब किया था? AK सेन ने 1968 में दूसरी बार भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? निर्धारण किया था। उसके बाद तीसरी बार निर्धारण है भौतिक प्रदेशों का, वो किसने किया था? तो तीसरी बार जो भौतिक प्रदेश के माने इनका निर्धारण रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। कब किया था? 1971 में किया था। किसने किया था? रामलोचन सिंह ने किया था। भौतिक प्रदेश है हमारे, जिसको राजस्थान, हमारा राजस्थान है, इसको अलग अलग प्रदेशों में बांटा था, अलग अलग प्रदेशों में बांटा था। तो हम इसमें देखते हैं वो अलग अलग प्रदेश कौन कौन से थे। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है इसको ऊंचाई के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है?
हमने चार भावों में बांटा है। हमने बुद्ध देव एक सर्वप्रथम किसने बांटा, दूसरी पर किसने बांटा और तीसरी पर उनका निर्धारण किसने किया था। तो भौतिक प्रदेश से इसका उच्च उच्च के आधार पर, उच्च उच्च के आधार पर भौतिक प्रदेशों का निर्धारण। अब जो राजस्थान के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो हमारे कितने निर्धारण किया गया है, चार प्रकार से किया गया। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो पहला है हमारा अरावली प्रदेश, दूसरा हमारा मरुस्थलीय प्रदेश और तीसरा है इसमें पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश को तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है इसमें आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसमें क्या क्या था निर्धारण किया था। तो उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों में निर्धारण कितने प्रकार से किया गया, चार प्रकार से किया गया। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है अरावली प्रदेश, दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार भागों में हमारे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनका निर्धारण किया था। सबसे पहले कौन से प्रदेश का निर्माण हुआ था, हमारे जो भौतिक प्रदेश थे इनमें सबसे पहले जो हमारे प्रदेश थे उनमें किसका निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले अरावली का हुआ था। किसका हुआ था, अरावली का सबसे पहले। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, अरावली प्रदेश का सबसे पहले निर्माण हुआ था। उसके बाद सबसे बाद में किसका हुआ था, तो सबसे बाद में मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था, मरुस्थलीय प्रदेश का क्या हुआ था, सबसे अंतिम हुआ था। सबसे पहले निर्माण है अरावली प्रदेश का हुआ था, सबसे अंत में है वो मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि उच्चावच के आधार पर हमारे जो भौतिक प्रदेश है इनका निर्धारण कितने प्रकार से किया गया है, तो ये चार प्रकार से किया गया है। चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो हमारे अरावली प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो अरावली प्रदेश का सबसे पहले निर्माण हुआ था। और सबसे बाद में किसका हुआ था, तो सबसे बाद में हमारे मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। अब हम आगे देखते हैं जो हमारे जो भौतिक प्रदेश में, तो हमने देख लिया था कि हमारे जो चार भौतिक प्रदेश में जैसे अरावली है, दक्षिणी पूर्वी है, पठारी प्रदेश बताया था हमें, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वो हमने चारों आपको बता दिए थे। और अब हम देखते हैं जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में देखते हैं पहले। तो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या है कितनी, निवास करती है, इसकी उत्पत्ति कैसी है, इसमें शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम पहले हम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है, मरुस्थलीय प्रदेश हमारा इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो वह 33 सागर से हुई है। कहाँ से हुई, 33 सागर से हुई है। मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई है। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका क्षेत्रफल वो कितना है, तो वह 61.11% कितना है, 61.11% है वो मरुस्थलीय प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है। और जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या है वो 40%, कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी है वो भी क्या सबसे बड़ा है, और जनसंख्या है वो भी 40% इसमें निवास करती है, और उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई है। अब इसमें जो शामिल जिले हैं हमारे जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर हमारा, बीकानेर है, गंगानगर है, और एक इसमें हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, ये क्या है इसमें शामिल जिले हैं।
जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे जो पश्चिमी प्रदेश के जो है क्षेत्र के हैं वो जिले इसमें शामिल है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, ये क्या है इसमें शामिल जिले हैं। उसके बाद जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है उस जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11% है। जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है? तो यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी उत्पत्ति हुई है 33 साल कृषि हुई है, और इसमें जो शामिल जिले हमारे जैसे जैसलमेर, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें शामिल जिले। उसके बाद हम जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसकी उत्पत्ति है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? तो वो ये गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति है, कहाँ से हुई? गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके लिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से हुई है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 6 करोड़ निवासी इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या यहाँ पे कितनी निवास करती है? तो जनसंख्या यहाँ पे 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल वो भी क्या है कम है, और इसकी यहाँ पे जनसंख्या है वो भी क्या करेगी कम जनसंख्या निवास करेगी। उसके बाद जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें जो शामिल जिले हैं, हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जो जिले कितने जिले हैं वो शामिल हैं, तो वो हम देखते हैं। पहला हमारा कोटा, बूंदी है, झालावाड़ है, बारा है, ये जिले हैं जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में शामिल है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से भी है। क्षेत्रफल इसका जो 6 करोड़ निवासी है, जनसंख्या यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। शामिल जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जिले इसमें शामिल है। फिर एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि भौतिक प्रदेश हुआ कर्म पूछा जाता है आपको एग्जाम में, भौतिक प्रदेश हुआ कर्म पूछा जाता है कि प्रश्न पूछ लेते हैं कि भौतिक प्रदेशों का कारण बताइए, तो आपको ये क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है भौतिक प्रदेशों का कारण। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अरावली का सबसे पहले निर्माण हुआ था, किसका हुआ था? सबसे पहले अरावली का हुआ था, सबसे पहले किसका हुआ था? अरावली का। उसके बाद ये मैंने बताया था मरुस्थल प्रदेश हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश था हमने अब इसकी चर्चा की है, तो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका क्या होता सबसे बाद में, सबसे बाद में। तो अरावली, अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ था और सबसे अंत में मरुस्थलीय प्रदेश का हुआ था। अब बच गए हमारे दो बीच में, तो अरावली सबसे पहले, उसके बाद में जो हमारा पठारी प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हमने पढ़ा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे है पूर्वी प्रदेश, कौन सा आता है? पूर्वी प्रदेश, और अंत में आ जाता है मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। तो हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? तो 33 सागर से। क्षेत्रफल इसका 61.11%, जनसंख्या यहाँ पे 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसमें जो शामिल जिले हैं हमारे वो क्या है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और हनुमानगढ़, ये इसमें जिले शामिल है। उसके बाद जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। और फिर हमने पढ़ा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। इसका क्षेत्रफल है वो 6.8% है, जनसंख्या यहाँ पे 11% निवास करती है, और शामिल जिले है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा इसमें शामिल है। और एक चीज और नोट कर लेना, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, ये चीज और वापिस नोट कर लेना कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, और सबसे बड़ा है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें शामिल जिले मैंने बताई थी, भौतिक प्रदेश जो कर्म था हमारा कि अरावली इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, और मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ था। तो बीच के दो हैं जैसे पठारी और पूर्वी,
तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी प्रदेश जो पूर्वी में दैनिक बाघ हमारा उसका निर्माण हुआ और उसके बाद हमारे मनुष्य के प्रदेश का निर्माण हुआ था। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा जो अरावली प्रदेश है, थोड़ा सा अरावली प्रदेश है, अब हम एक एक और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इतनी देर तो हमने जो कौन सा भौतिक प्रदेश था, बड़ा था, कौन सा छोटा था, वो उसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, उसकी जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, वो हमने पढ़ा था। अब हम एक एक प्रदेश की डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अरावली प्रदेश है हमारा पहला प्रदेश, क्योंकि इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था, तो हम अरावली प्रदेश से हमारी राज को देखते हैं। तो अरावली प्रदेश है, अरावली का अर्थ है जो अरावली है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है आपका, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पर्वतों की श्रृंखला। अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है। फिर हम देखते हैं कि अरावली प्रदेश से इसका विस्तार कहां से कहां तक है, राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, जनसंख्या कितनी है, वो हम पढ़ते हैं। तो इसका जो विस्तार है, हमारे अरावली प्रदेश का जो विस्तार है जो भारत में है वो कहां से कहां तक है, तो वो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। कहां से है, गुजरात से लेके दिल्ली तक है, और दिल्ली तक भी कहां तक है, तो ये रायसीना पहाड़ियों तक है। कहां तक है, रायसीना पहाड़ियों तक है अरावली जो प्रदेश है इसका विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। सॉरी प्रदेश तो अरावली प्रदेश तो हमारे जो भौतिक प्रदेश को निर्धारण तो राजस्थान में हुआ, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है हमारी, इसी को प्रदेश के रूप में हमने चुना। तो इसका जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, आप इसको पर्वतमाला भी बोल सकते हैं, पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेके दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों तक है। दिल्ली में कहां तक है, रायसीना पहाड़ियों तक है इसका विस्तार है। अब इसका राजस्थान में विस्तार कहां तक है, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो है खेर बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक है। कहां तक है, खेर बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक राजस्थान में इसका क्या है, विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला है इसका राजस्थान में विस्तार है वो खेर बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक है, और भारत में है गुजरात से दिल्ली तक जो रायसीना पहाड़ियां हैं दिल्ली वहां तक इसका विस्तार है। उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 9% है। कितना है, 9%, 9% इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है। और इसकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो इसकी कुल जनसंख्या है वो 10% है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो इसी कारण यहाँ की जनसंख्या है वो भी क्या है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और जो अरावली पर्वतमाला है हमारा प्रदेश, इसमें जो शामिल जिले राजस्थान के शामिल कितने जिले हैं, तो इसमें 13 जिले शामिल है। कितने हैं, 13 जिले से क्या है, शामिल है। तो कुल क्षेत्रफल 9% है, कुल जनसंख्या है वो 10% है, और इसमें जो शामिल जिले हैं वो 13 जिले इसमें शामिल है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला है प्रदेश है, यहाँ पे जो जलवायु है वो किससे पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला में वहाँ पे जो प्रदेश है हमारा वहाँ पे जलवायु किससे पाई जाती है, तो जलवायु है वो उपादर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, उपादर जलवायु पाई जाती है, उपादर जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य फसल है यहाँ की वो क्या है, तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो मक्का है। क्या है, मक्का यहाँ की क्या मुख्य फसल है, मक्का है वो अरावली प्रदेश की क्या मुख्य फसल है। उसके बाद यहाँ पे मर्दा कैसी पाई जाती है, अरावली प्रदेश है वहाँ पे जो मर्दा है वो कैसी पाई जाती है, तो मृदा है वो काली भूरी और लाल, काली भूरी और लाल मृदा पाई जाती है, काली भूरी और लाल यहाँ पे मृदा पाई जाती है। इसकी अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है वो 930 मीटर, कितनी है, 930 मीटर है, 930 मीटर क्या है ऊंचाई है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला है हमारी, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है वो कौन से जिले में है, तो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है, तो वो विस्तार में देखें तो खेर बर्मा सिरोही से ये झुंझुनू तक जाती है, तो खेर बर्मा सिरोही में क्या है इसकी, सिरोही में क्या है इसकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ पे सर्वाधिक है, सिरोही में इसकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। उसके बाद इसका सर्वाधिक विस्तार कि ये सबसे ज्यादा फैली हुई कौन से जिले में, तो ये उदयपुर जिला है। कौन सा जिला है,
उदयपुर जिला है वहां पे इसका सर्वाधिक विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है, और सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहां पे है, सिरोही जिले में है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला हमारी इसका जो न्यूनतम विस्तार है, जैसे सर्वाधिक विस्तार है सबसे ज्यादा खेती कहाँ हुई है, तो ये उदयपुर में खेली हुई है, और सबसे कम है इसका विस्तार वो है अजमेर में, कहाँ पे है अजमेर, कहाँ पे फैली हुई है अजमेर में फैली हुई है। फिर आगे देखते हैं हमारी अरावली जो प्रदेश है पर्वतमाला है इसका निर्धारण है, उसका भी क्या क्या है, इसको भी तीन भागों में बांटा है अरावली पर्वतमाला, इसको भी कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है, वो तीन भाग से हम देखते हैं। तो अरावली हमारी जो अरावली है इसको हमने तीन भागों में बांटी, कितने भागों में बांटी हुई, तीन भागों में, वो तीन भाग कौन कौन से वो देखते हैं। तो पहला है इसमें उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली, और तीसरी है इसमें दक्षिणी अरावली। ये तीन भाग जो है अरावली पर्वतमाला है इसको तीन भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में इसको बांटा है। पहली है उत्तरी अरावली, ध्यान में रखना अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है, तीन भाग कौन कौन से, तो पहली है अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है इसमें पहली है उत्तरी अरावली, दूसरी है इसमें मध्य अरावली, कौन सी है मध्य अरावली, और तीसरी है इसमें दक्षिणी अरावली। ये तीन भागों में इसको क्या क्या बांटा गया है, तो हम एक बार इनको रिवाइज करते हैं जिससे आपको जो बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। अरावली है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या, पहले प्रश्न आ जाता है कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अरावली का जो शाब्दिक अर्थ है वो पर्वतों की श्रृंखला है, क्या है पर्वतों की श्रृंखला है, इसको जाना है अरावली। फिर हम देखते हैं कि अरावली है इसका जो भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात से दिल्ली में रायसीमा पहाड़ियों तक इसका क्या है विस्तार है। उसके बाद राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान में खेड़ बर्मा सिरोही से झुंझुनू तक का राजस्थान में इसका क्या विस्तार है। उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 9% है। कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। कितने जिले इसमें शामिल है, तो 13 जिले इसमें क्या शामिल है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे जलवायु उपाद्र पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद यहाँ की मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल है वो आपकी मक्का है। मृदा कौन सी, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मृदा है यहाँ पे काली भूरी व लाल पाई जाती है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 930 मीटर, कितनी है 930 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है वो कौन से जिले में, तो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में, और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है हमारा वो उदयपुर जिले में है, और इसका जो न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर जिले में है। और फिर हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला है इसको कितने भागों में बांटा, तो इसको तीन भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में इसको बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा दक्षिणी अरावली। तो दोस्तों आज के हमने जो हमारी जो क्लास थी इसमें हमने जो भौतिक प्रदेशों का निर्धारण था वो हमने पढ़ा, तो भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो निर्धारण था वो वीसी मिश्रा ने किया था 1968 में किया था, और कितने भागों में किया था, 7 भागों में किया था। कौन सी पुस्तक में किया था, तो राजस्थान भूगोल उनकी क्या थी, एक पुस्तक थी उसमें उन्होंने 7 भागों का क्या किया था, निर्धारण किया था। उसके बाद हमारे जो दूसरी बार उसका निर्धारण है वो किसने किया था, तो वो ए के सेन ने किया था। कब किया था, तो उन्होंने भी क्या किया था, 1968 में किया था। सबसे पहले तो वी सी मिश्रा ने किया था, कब किया था, 1968 में। और फिर दूसरी बार किसने किया था, तो दूसरी बार आपका ए के सेन था, उसने 1968 में किया था। और तीसरी बार भौतिक प्रदेशों का जो निर्धारण है वो रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था, किया था 1971 में किया था। और हमारे जो भौतिक प्रदेश है इनका निर्धारण
जो ऊंचाओं के आधार पर कितने प्रकार से किया गया, तो चार प्रकार से किया गया था। अरावली प्रदेश था, मरुस्थलीय प्रदेश था, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था और पूर्वी मैदानी प्रदेश था। सबसे पहले कौन से प्रदेश का निर्धारण हुआ था, तो सबसे पहले अरावली प्रदेश का निर्धारण हुआ था। उसके बाद अंत में सबसे किसका हुआ था, तो अंत में है वो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्धारण हुआ था। अब जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश था इसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो इसकी उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई थी। उसके बाद वहाँ पे जो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 61.11% सा। जनसंख्या वहाँ पर 40% निवास करती है। उसमें शामिल जिले हैं जो हमारे पश्चिमी जिले हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, वो इसमें जिले शामिल थे। फिर हमने उसमें एक चीज़ कि जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा माना जाता है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है, और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही है। यदि क्लास आपको पसंद आए तो हमारे जो सीरीज का ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद सभी का।